वीडियो के थंबनेल से आप शायद समझ के होंगे कि आज की वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो अभिनय सर और गगन प्रताप सर में से कौन बेस्ट है, आज इस बात पे हम अपनी राय दूंगा। ओके, ऐसा नहीं है कि वही चीज़ है और वो इतने महान टीचर हैं, उनके बारे में बोलने वाला मैं कौन होता हूँ। ठीक है, और एक फन फैक्ट ये है कि वे वीडियो जो है स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी ने कुछ पैसा नहीं दिया है। ओके, बाकी सारी जो राय है वो मेरी है। दोनों ही टीचर एक नंबर के अच्छे टीचर हैं। ओके, बाकी मैथ्स की जो आप पढ़ने के लिए आपके पास जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है आपकी 9th-10th की आर एस अग्रवाल, वो आपके पास होनी ही होनी चाहिए भाई। और दूसरी मेरी बात सुनिए, आप लोगों के लिए पैसों की बड़ी दिक्कत हो जाती है, 1000 रुपये की 2 किताबें हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपका पूरा मटेरियल जो है वो 10,000 रुपये का भी आ रहा है। आप बिगिनर्स हैं, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया होगा या नहीं भी दिया है। ठीक है, अभी आपके पास 6-7 अटैम्प्ट और हैं, 10,000 रुपये खर्च करने हैं, आप कम से कम किताब में तो कर लीजिए। ओके, बाकी मैं नहीं चाहता हूँ आप किसी का भी कोर्स खरीदें, बाकी आपका मन है। ठीक है, कोर्स खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, अब CDS की जो सैलरी होती है वो 85,000 रुपये पर मंथ है, जो आप फर्स्ट इनिशियल सैलरी जो होगी, तो उसे लेने के लिए आप 10,000 रुपये खर्च कर सकते हैं आई थिंक। ओके, अपना खर्चा जो है कुछ कम कर लीजिए और करिए जैसा भी हो रहा है आपको मैनेज, बुक्स तो लेनी पड़ेंगी और कोई चारा ही नहीं है। तो आपके पास 9th-10th अग्रवाल की बुक होनी चाहिए, आप पुरानी लीजिए, कहीं से जुगाड़ कीजिए, भीख मांगिए, जो भी करना है बुक ले लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते ही नहीं हो, इतना जोर दे रहा हूँ भाई, कुछ सोच के बोल रहा हूँ। तो फिर वो बुक करिए, आप उन्हें पढ़िए आराम से, अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको बाई चांस कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तब आपके पास इन दोनों टीचर्स में से चॉइस है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा अभिनय सर। ठीक है, आप उनसे मैथ्स के जो टॉपिक समझने की जो चीज़ है ना, वो आप समझिए अभिनय सर से। ठीक है, अच्छा मैंने जब अटैम्प्ट दिया था, 2nd अटैम्प्ट या 3rd अटैम्प्ट, आई थिंक 2nd अटैम्प्ट के टाइम पे अभिनय सर की मैंने लाइव क्लासेस ली थी, लगभग 60 वीडियोस के अराउंड मैंने देखी थी, और 60 वीडियोस उन्होंने बीच में गैप भी करा होगा, तो 75 डेज में उन्होंने कम्प्लीट करा दी होंगी। ठीक है, तो 75 डेज मैंने उन्हें दिए, और मेरे को ये लगा कि मेरी गलती थी एक्चुअली, क्योंकि मैंने अर्थमेटिक से स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने 3-4 टॉपिक जो हैं वो ख़त्म करवाए अर्थमेटिक के, जिनमें पेपर में उनका बेटे ना के बराबर था। ना के बराबर मतलब 6-7 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको अगर 60 वीडियो में से, आपका तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभिनय सर को थोड़ा सा नीचे गिरा देता हूँ इस मामले में कि उनका पढ़ा मैंने आया नहीं, जबकि गलती मेरी थी। ठीक है, आपको गगन प्रताप सर से क्या करना है वो बहुत ज़्यादा अहम बात है। ओके, गगन प्रताप सर की 22-22 घंटे की 18-18 घंटे के एडवांस के क्वेश्चंस की वीडियो डली हुई हैं, 18 घंटे की, जो उनके ऑफिशियल चैनल पर डली हुई है। ठीक है, वो आपको छोड़नी ही नहीं है। ये मान लीजिए अगर आपने उनकी वीडियो देख ली वो अच्छे से समझ के, आप 2x स्पीड पे देखेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, आप उन वीडियो को कम्प्लीट कीजिए, आप उन वीडियो को मान लीजिए एक 18 घंटे की वीडियो, आप उसे 1 हफ्ते में पूरा देखिए। अगर आपने जियोमेट्री की वीडियो 18 या 22 घंटे की जितनी की भी है, आई डोंट नो, आपने कंप्लीट देख ली 1 हफ्ते में, आप उसे दोबारा देख लीजिए अगले हफ्ते, उतना ही टाइम लगेगा रिवीजन करने में, क्योंकि 2x स्पीड में आप तब भी देख रहे हैं, बाद में भी देख रहे हैं, थोड़ा सा कम टाइम लग सकता है, बट उतना ही लगेगा। आपको अगर समझ में आ गई ना वो थ्योरी, ये मान लीजिए वहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो फटाफट होंगे, तो आपको वो वीडियो तो छोड़नी ही नहीं है। जियोमेट्री की पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ी है, मेंसुरेशन की पढ़ी है, एलजेब्रा पढ़ी है। ठीक है, नंबर सिस्टम नहीं है, जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है CDS के लिए, ये 4 टॉपिक जो हैं इनसे आपके 15-60 क्वेश्चंस तो आराम से मिल जाएंगे मैथ्स में। पर आप डायरेक्ट अगर गगन प्रताप सर के उन वीडियो को देखने जाएंगे, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप डायरेक्ट उन वीडियो को ऊपर जा सकते हैं, और नहीं तो पहले 9th-10th अग्रवाल अभिनय सर से समझ लीजिए उन टॉपिक को, अगर RS अग्रवाल नहीं करना चाहते हैं, जो भी आप कैसे भी करना चाह रहे हैं, RS अग्रवाल यार बेस्ट है कुल मिला के। ठीक है, और उन्हें समझने के बाद आपको जो है गगन प्रताप सर की वीडियो देखनी है। तो मेरे जो इन दोनों में फेवरेट हैं वो मेरे को गगन प्रताप सर सही लगते हैं, अभिनय सर भी अच्छे हैं, बट गगन प्रताप सर की तरफ मैं ज़्यादा झुका हुआ हूँ, क्योंकि उनकी उन वीडियो ने जो 18-20 घंटे की फ्री वीडियोज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। एक सेकंड चीज़ जो अभिनय सर की फेवर में जाती है वो ये है कि अभिनय सर की फ्री वीडियो जो हैं, जो मैंने देखी थी 75-60 वीडियोज, उनकी A to Z क्वांटवेज करके फ्री वीडियो हैं पूरी, वो गगन प्रताप सर की में नहीं है फ्री, उनका पेड बैच ही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और अभिनय सर जो है वो उन्होंने फ्री वीडियो दी है, आपको समझाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर आप उनकी वीडियो देखते तो, बाकी मेरा तो सीधा यही है, 9th-10th अग्रवाल कीजिए, अभिनय सर से समझना है तो समझ लीजिए, और गगन प्रताप सर की वो वीडियोस कंप्लीट कीजिए, इतना आप कर लेंगे आपका काम हो जाएगा मैथ्स में।
और इतना काम करने के लिए आपके पास 2 महीने कम से कम होने चाहिए, जो कि अभी है। ओके, जून के 20 दिन मान लीजिए, 15 दिन तो हैं कम से कम, 18 दिन है, 18 दिन इसके, और जुलाई है, अगस्त, सितंबर में तो पेपर ही है, जुलाई अगस्त, तो आपके पास तकरीबन 80 दिन है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपके भी जो फेवरेट टीचर है आप बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी मैंने इन दोनों टीचर्स के अलावा कोई तीसरे टीचर की तरफ देखा भी नहीं है, मतलब देखा है ऐसी, बट नहीं, हाँ सर से भी मैंने किसी ज़माने में पढ़ा था अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। टीचर वो चुनिए जो जिसका आपको समझ में आए, और समझ में आने से मतलब नहीं है, उनके जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है ना वो अच्छा होना चाहिए। गगन प्रताप सर के लेवल ऑफ क्वेश्चन ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है अपने सर से, ठीक है, मेरे को पसंद है कुल मिला के। तो आप उनको करिए, आपका CDS में आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ओके, और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। ओके, और CDS की तैयारी कर रहे हैं तो गुड लक, यू आर नेक्स्ट, यू आर फ्यूचर ऑफ CDS। ओके, हाँ सेंटेंस रॉन्ग हो गया था, कोई बात नहीं, आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं।